जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, वॉटर, वॉटर मतलब पानी, ठीक है, पानी, पानी पूरी अर्थ पे फैला हुआ है, अर्थ ब्लू प्लेनेट कहलाती है, यानी कि नीला ग्रह कहलाती है, ब्लू प्लेनेट कहलाती है, ओके। तो ये पानी के बारे में डिसीजन कर रहे हैं, तो देखिए बोर्ड पे लिखा गया है सोर्स ऑफ वॉटर, सोर्स ऑफ वॉटर, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ वॉटर, कि पानी का अर्थ के ऊपर सोर्स क्या है, किस तरह का सोर्स है हमारे अर्थ पे। तो सोर्स है हमारे यहाँ पर पानी 71% पाया जाता है, पूरी अर्थ पे जो वॉटर है वो 71% वॉटर है, ओके। और इस 71% वॉटर ये कहाँ पर है ज्यादातर, ये पानी ये ओशियन सरफेस में है 97.3% वॉटर जो है हमारे ओशियन सरफेस पे है। कौन कौन से ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है ये, ओके। उसके बाद इंडियन ओशियन, इनकी भारतीय हिंद महासागर, ओके। तीसरा आर्कटिक ओशियन, मतलब कि नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर अंटार्कटिक ओशियन, मतलब नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ, जिसको साउथ ओशियन भी हम कहते हैं, ओके। फिर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन मतलब कि जो हमारे यूरोप के जस्ट इस साइड में, अमेरिका की इस साइड में है, ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन है, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे ओशियन है जो कि जहां पर ज्यादातर पानी है, जहां पर जो है ज्यादातर पानी जो पाया जाता है वो ओशियन में होता है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एंटार्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये सारे बड़े बड़े महासागर है जहां पर ज्यादा पानी हमारी अर्थ का पाया जाता है। इसके अलावा लेक्स और पॉन्ड में भी पानी पाया जाता है। तो सोर्स ऑफ वॉटर, मतलब कि पानी कहाँ कहाँ है, तो इन सब जगह पर है। सोर्स ऑफ फ्रेश वॉटर, फ्रेश वॉटर कहाँ पे है, 2.7%, ठीक है, मतलब कि 97.3% तो सालिन वॉटर है, मतलब कि खारा पानी है। देखो बोर्ड पे लिखा गया, क्लियर लिखा हुआ मैंने कि 97.3% वॉटर तो ओशियन वॉटर है जो कि खारा पानी है, और 2.7% वॉटर है हमारा वो फ्रेश वॉटर है, वो फ्रेश वॉटर है। और ये फ्रेश वॉटर रेनफॉल के रूप में है, रेनफॉल, रिवर्स, ग्लेशियर, रेनफॉल, रिवर, ग्लेशियर, इनके रूप में है ये। और ग्राउंड वॉटर, और ग्राउंड वॉटर अंडरग्राउंड वॉटर है, ठीक है, ओके। वॉटरफॉल के रूप में भी पानी पाया जाता है, और वाटर वेपर के रूप में भी पानी है। तो जो फ्रेश वॉटर जिसके अंदर खारापन नहीं होता वो सब ये फ्रेश वॉटर है, ओके। अब देखिए वाटर साइकिल, तो फ्रेश वॉटर पता लग गया, ओशियन वॉटर में खारा पानी, सालिन वॉटर, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, एंटार्कटिक, आर्कटिक और अटलांटिक, ये तो खारा पानी है। और जो मीठा पानी है फ्रेश वॉटर, वो रेनफॉल के थ्रू आता है, रेनफॉल के अलावा रिवर्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वॉटर, रिवर, ग्लेशियर, ग्राउंड वॉटर और वाटरफॉल, वाटर वेपर, इनके थ्रू भी पानी हमारे पास आता है। अब देखिए वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है, पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद में पानी वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर के रूप में ऊपर क्लाउड्स में चला जाएगा, और उसके बाद क्लाउड्स, फिर बाद में रेनफॉल होगी, बाद में क्या होगी, रेनफॉल होगी, और रेनफॉल होने के बाद फिर वो रिवर्स के अंदर फ्लो करता हुआ ओशन में चला जाएगा, फिर से इवेपोरेट होगा। मतलब कि एक ऐसा सर्कल बनता है, एक ऐसा साइकिल बन जाता है कि पानी एक जगह से स्टार्ट होकर फिर से वहीं पर पहुंच जाता है। जैसे कि ओशन सरफेस से ज्यादा गर्मी पड़ने से इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेशन होने के बाद में वाटर वेपर बने, और वाटर वेपर बन के कंडेंस होकर क्लाउड बन गए। वाटर वेपर जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो क्लाउड्स बनते हैं, और फिर क्लाउड्स रेनफॉल के रूप में रेनफॉल करते हैं, क्लाउड जो होते हैं ब्लैक क्लाउड वो रेनफॉल करते हैं, और फिर रिवर्स के थ्रू फिर वही पानी फ्लो करता हुआ आखिर में फिर ओशन में पहुंच जाता है। ये वही ओशन था जहां से पानी इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेट होकर फिर वहीं पर पहुंच गया, और फिर से इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये जो एक साइकिल बनता है, प्रोसेस बनता है, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। पानी जहां से शुरू हुआ वहीं पर रिवर्स के रास्ते फिर दोबारा पहुंच गया, ओके। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज क्या है, वाटर बॉडीज 3/4 यानी कि 3/4 वाटर हमारी अर्थ पे, 71% वाटर हमारी अर्थ पे पाया जाता है, और 30 यानी 29% हमारे यहाँ पर लैंड कवर पाया जाता है, मतलब कि जमीन पाई जाती है, और फिर भी हमें पानी की कमी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर कम है। 2.7% जो वाटर है उसमें से 1.7 तो
वो ग्लेशियर शीट में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब 1% वाटर हमारे ड्रिंकिंग पर्पज से आता है, मतलब कि ग्राउंड वाटर में या रिवर से, जैसे कि हम पानी उसमें यूज करते हैं, तो वो फिर हमारे लिए 1% है, 1%। दोबारा सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि 97.3% तो आपका क्या है, ओशन वाटर यानी कि ग्लेशियर, ओशन वाटर में खारा पानी है, और जो और जो कि फ्रेश वाटर है वो 2.7% है, 2.7% है, ओके 2.7% 2.7% है, ओके तो 2.7% जो वाटर है उसमें से कुछ तो 1.7 तो ग्लेशियर में है, बर्फ बनी हुई है, बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है, और कुछ फिर वो ग्राउंड वाटर के रूप में आपके पास है, ठीक है। डाउट्स लास्ट में लेंगे बेटा, देखिए वाटर स्कार्सिटी है फिर भी, और ओशन वाटर हमारे पास 97.3%, देखो परसेंटेज बताया हुआ है किस तरह से कितना पानी कहां पर है, ओशन वाटर 97.3%, आइस कैप में 2.0%, आइस कैप में कितना 2.0% है, और ग्राउंड वाटर 0.68% है, 0.68%, और जो फ्रेश वाटर है वो कितना 0.09%, जो फ्रेश वाटर लेक्स में जो मिलेगा वो 0.09% है, आइलैंड और सीज, आइलैंड के अंदर जो सीज होते हैं, बहुत सारे जो समुद्र होते हैं और सोल्टी लेक्स होती है, उनके अंदर पानी 0.09% है, ओके। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो 0.093% है, और फिर रिवर्स में 0.001% है। इस तरह से 100% वाटर की परसेंटेज हमारे यहाँ पर इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो देखिए ओशन में कितना 97.3%, आइस कैप में 2.0%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स में 0.09%, और इनलैंड वाटर और साल्ट लेक में जो साल्ट लेक्स होती है वो 0.09% है, और एटमॉस्फेयर में 0.19, इस तरह से 100% हो जाता है, ठीक है। अब देखिए साल्टिनिटी, जो महासागरों में जो खारापन होता है उसको साल्टिनिटी कहते हैं हम लोग, खारापन, ठीक है। वो खारापन 1000 ग्राम वाटर पर 35 ग्राम हो तो वो एवरेज साल्टिनिटी कहलाएगी। समुद्र के अंदर जो खारापन होता है उसकी एवरेज साल्टिनिटी बताई गई है, ठीक है। अगर 1000 ग्राम वाटर है तो उसमें 35 ग्राम जो नमक होगा वो साल्टिनिटी कहलाएगी उसकी, ठीक है। कितना 1000 ग्राम वाटर है उसमें से 35 ग्राम अगर उसमें नमक है तो वो एवरेज साल्टिनिटी ओशन की कहलाएगी। लेकिन डेड सी एक एग्जांपल है जिसके अंदर खारापन ज्यादा है, उसके अंदर खारापन ज्यादा है, ठीक है। इजराइल कंट्री में है ये डेड सी, तो वहां पर खारापन ज्यादा है, साल्टिनिटी जो है 340 ग्राम पर लीटर है, 1 लीटर में 340 ग्राम नमक पाया जाता है, तो इतना ज्यादा खारापन है। इसलिए वहां पर किसी भी टाइप की कोई भी एक्वाटिक लाइफ या किसी प्रकार के आसपास कोई बायोम वगैरह कोई जीव जंतु वगैरह नहीं रहते हैं, इस वजह से वहां पर उसको डेड सी कहते हैं। कहां है डेड सी? इजराइल कंट्री में, ठीक है। तो वो खारापन कितना है उसका, 340 ग्राम से भी ज्यादा नमक पाया जाता है 1 लीटर वाटर में, इसलिए उसको डेड सी कहते हैं कि उसमें कोई एक्वाटिक लाइफ मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद में ओशन सर्कुलेशन, ठीक है। वाटर दिखाई गई है, ओशन की मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी जब ओशन में ऊपर नीचे हिलता है तो उसमें 3 टाइप की मूवमेंट होती है, वेव्स बनती है, लहरें, टाइड मतलब ज्वार भाटा, और जो करंट्स मतलब कि समुद्री धाराएं, 3 प्रकार की मूवमेंट होती है समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर 3 प्रकार की मूवमेंट, वेव्स मतलब कि समुद्री धाराएं, टाइड्स मतलब कि ज्वार भाटा, और करंट्स मतलब कि समुद्री धाराएं, ठीक है। मतलब कि लहरें होती है वेव्स, और ये ज्वार भाटा होता है, और ये वाली समुद्री धाराएं होती है, ये ओशन सरफेस पे बनती रहती है, ठीक है। तो देखिए वेव्स के बारे में, वेव्स क्या होती है, ओशन वाटर जो राइज और फॉल होता है अल्टरनेटिवली, कभी ऊपर पानी उठता है कभी डाउन हो जाता है, कभी ऊपर उठता है कभी डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स। ये इस तरह से मूव करती हुई चलती है, जैसे कि पानी मूव करता है इस तरह से, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि वेव्स जो होती है उसके ऊपर विंड जो होती है हवा, वो स्क्रब करती है, वो क्या करती है, उसको प्रेस करती है। जब हवा, तेजी से चलने वाली हवा ओशन वाटर को रब करेगी या स्क्रब करेगी, तो उसके बाद क्या होगा, वेव्स बननी शुरू हो जाएगी, और ज्यादा जोर से हवा चलेगी तो ज्यादा जोर से स्क्रब करेगी, और ज्यादा जोर से स्क्रब करेगी तो फिर बड़ी बड़ी करंट यानी समुद्री धाराएं और जो है ओशन टाइड्स वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। मून और सन की पावर की वजह से, अट्रैक्शन पावर की वजह से टाइड भी बनते हैं, ठीक है, टाइड बनते हैं, ओके। तो
तो देखिए इस तरह से आज ये शेयर, कल हम जो है पार्ट टू करेंगे, इसमें हम वेव्स के बारे में, टाइड्स के बारे में और करंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज हमने डिस्कशन किया, आज हमने डिस्कशन किया कि पानी का सोर्स क्या है। ठीक है, एक मिनट रुकिए बेटा। तो पानी का सोर्स है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्कटिक और एटलांटिक। एटलांटिक इसमें 97% वाटर पाया जाता है और बाकी फ्रेश वाटर रेनफॉल, रिवर, ग्लेशियर और ग्राउंड वाटर में पाया जाता है और वाटर वेपर के रूप में भी है। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है कि जब पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद वाटर वेपर बनते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेनफॉल होती है और रेनफॉल होने के बाद रिवर्स के रास्ते फिर से वो ओशन में पानी पहुंच जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। सालिनिटी यानी कि खारापन, सार खारापन के बारे में बताया कि 1000 ग्राम वाटर पर जितना नमक पाया जाएगा उसकी एवरेज सालिनिटी कहलाती है, खारापन कहलाता है। 35 ग्राम पर 1000 एवरेज सालिनिटी पाई जाती है और डेड सी में ज्यादा है, जो इसराइल में उसमें 340 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, तो इसलिए वो डेड सी कहलाता है, वहां पर किसी भी टाइप कोई एक्वाटिक लाइफ नहीं होती। उसके साथ मैंने परसेंटेज बताया कि कितना परसेंट ओशन वाटर है, 97, आइस कैप 0.2% है, ग्राउंड वाटर 0.68% है, इस तरह से इसकी 100% बनती है। और कल हम डिस्कशन करेंगे ओशन सर्कुलेशन यानी कि वेव्स, टाइड और करंट्स के बारे में और सुनामी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।